तो आप एक्साइटेड हो मैम यहाँ पे रहने के लिए? आपको पता है हम क्या कर रहे हैं आज? I'm really excited, more than confident or nervous. I generally love meeting people who are not from cricket and so that I can know what their journey looks like. नीट वालों को फिजिक्स अच्छे से नहीं बनती आती है भाई ऐसी बात नहीं। सॉरी, यहाँ पे नीट और जेई के झगड़े हो रहे हैं। पसंद फिजिक्स है बट तो भाई जेई करना चाहिए था। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? नर्वस हो या एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है। अच्छा, गुड गुड। मैं जब नर्वस रहती हूँ तो मैं खाना खाती हूँ। आई थिंक आई एम अ बिग फूडी, तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना। अच्छा, पहले मुझे आप सब लोग आपके बारे में बताइए। मुझे आपके नाम पता है बट मुझे और आपके बारे में जानना है कि आप कहाँ से हो और कैसे पढ़ाई करी है। वो मेरा नाम श्रवण अग्रवाल है एंड आई एम फ्रॉम बांदा यूपी, और मैंने अपनी स्टडीज तो अनअकैडमी के थ्रू ही की है एंड लाइक आई परस्यू जेई क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। मेरा नाम शिवम कुमार राय, मैं बिहार से हूँ। मैंने नीट की प्रिपरेशन की है। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। अब मेरा नाम शशांक कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ, और मुझे ऑटोबायोग्राफी पढ़ना और अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, मैं आगे भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, आप भी नीट में कर रहे हो, राइट? अच्छा, किसकी ऑटोबायोग्राफी आपको सबसे अच्छी लगी? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, अच्छा, वो तो है ही, अब सब लोगों ने आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लिया ही है। आप? मेरा नाम अरित्र अम्बुद दत्त है, मैं कोलकाता से हूँ, और मैंने जेई प्रिपरेशन की है अन अकेडमी से। और मतलब मैंने जेई प्रिपरेशन इसलिए किया था कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स को बहुत डीप में समझना था, तो इसलिए मैंने जेई प्रिपरेशन किया। और अभी तो मैं एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहता हूँ, और मेरे इंटरेस्ट में है डिटेक्टिव नॉवेल्स। डिटेक्टिव नॉवेल्स, ओके, नाइस। सबके बहुत अलग अलग इंटरेस्ट है बट सबका एक कॉमन फैक्टर है, आप लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है ना। तो हमको बहुत इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मेरे को भी अभी पूछना है लोगों से, तो आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको क्वेश्चन पूछूं। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए? रैपिड फायर देखा होगा आप लोगों ने। किससे स्टार्ट करूं फिर? अरित्र। चलो आपका। व्हाट इज योर लास्ट गूगल सर्च? आपके बारे में। अच्छा, पता नहीं था मेरे बारे में आने से पहले? नहीं, आपके जो स्कोर्स थे, मतलब जो आपके रिकॉर्ड, इस पे भी रिसर्च कर गए। हम लोग इसको नोट्स मेकर कहते हैं, बहुत नोट्स बनाता है। ओ, ओके, नाइस। आपके लिए बहुत टफ है। मम्मी और पापा द बेटर फ्रेंड? मम्मी। मम्मी क्यों? मतलब पापा तो बहुत बिजी रहते हैं, मम्मी से तो मेरी रोज बात होती है। पर मैंने सुना आज तो पापा के साथ आए हो आप। जी जी। तो वापस जाना है, उनके साथ ही जाना है। मिलूंगी ना तो बोलूंगी मम्मी का नाम बोला। फेवरेट जंक फूड? मोमोस। मोमोस, ओ नाइस। आपका फेवरेट सॉन्ग और म्यूजिक टू लिसन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड? मिले हो तुम हमको। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह क्यों? अच्छा लगता देखने। एनी वियर्ड सुपरस्टिशन यू फॉलो? मतलब एग्जाम से पहले 5 बार लंबी सांसें लेते हैं। ऐसे मेरे काफी होते थे, आई थिंक 17 से पहले सुपरस्टिशन, बैटिंग से जाने से पहले लेग स्टंप लेना, लेफ्ट साइड से एंटर करना। जैसे मैं लेफ्ट साइड से एंटर करना पसंद करती थी, राइट से नहीं। ये तो मेरा था। वाह, आपका फिर सुपरस्टिशन क्या है फिर? पेरेंट्स से मतलब एग्जाम से पहले बात करके जाने में थोड़ा मोटिवेशन आता है, तो मुझे लगता है। ओके, आपका क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। फोन से फ्रेंड पे बात करना? हाँ, ये रहता है, मैं एग्जाम के पहले करता हूँ मोस्टली, एग्जाम के पहले भी, बाद में भी। मेरा तो ऐसा है कि मतलब कोई अगर अच्छा काम होगा तो उसके पहले कुछ चीज मतलब मेरे साथ बुरा होना चाहिए। ऐसे वक्त मतलब मेरा थोड़ा सा जाने में लेट हो गया, हाँ। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, तो उस टाइम मैं समझा था कि कुछ बुरा हुआ है तो अब कुछ अच्छा होगा। ओ, ऐसे इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कभी नहीं सुना। आपने सुना कभी ऐसा? बट मेरे साथ भी रहता था, अगर मेरा लास्ट मॉक बेकार गया तो रियल पेपर अच्छा जाएगा, और लास्ट मॉक अगर अच्छा गया है तो रियल पेपर इतना अच्छा नहीं जाता। ओके, दो तीन टेस्ट में ये ऑब्जर्व किया है। चलो, आई थिंक दैट वाज फन। चलो, मुझे तो काफी भूख लगी है, आप लोगों को लगी है? चलो, आप लोग मूवीज देखते हो? हाँ। कौन सी मूवी पसंद, सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? लाइक बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड पसंद है, बट फेवरेट मूवी है हैरी पॉटर सीरीज। बॉलीवुड पसंद है, फेवरेट मूवी है हैरी पॉटर। तो सबकी फेवरेट है। मुझे मतलब बॉलीवुड भी अच्छा लगता है, बट हॉलीवुड की मूवीज में थोड़ा मतलब ज्यादा
एज अ रिसर्च उनके ज्यादा होते हैं। अभी तो लग रहा है टॉपर्स के साथ बैठी हूँ एकदम। मुझे उनकी मूवीज अच्छी लगती है, लाइक इंसेप्शन हो गया, इंटरस्टेलर। ओके, अभी नई मूवी आई ओपेनहाइमर, वो भी मैंने देखी, अच्छी लगी। आपने देख भी ली? मैंने देखी अभी, आई थिंक अभी आई थी ना 21st को। यस यस, मैंने देख ली फर्स्ट। सो आपको कौन सी पसंद है? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स, अच्छा, वो तो आई थिंक वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स है। एक्चुअली मैं थ्री इडियट्स बोलने वाला था, बट अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। छिछोरे। छिछोरे, ओ आपको, दैट्स आल्सो नाइस, नाइस मूवी। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार। अरे वाह, सबके अलग अलग। वाह, आप लोग सोच के तो नहीं है ना? नहीं, अलग अलग आंसर देने हैं। पक्का? पक्का, बिल्कुल। चलो खाओ यार, ऐसे बात करते रहेंगे तो। मैम, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन पे मुझे बहुत बड़ा क्रश था। सारे लड़कियों को पूछोगे तो आई थिंक सबको ऋतिक रोशन काफी पसंद होते हैं। आपकी फेवरेट मूवी? ओ माय गॉड, देखिए देखिए, अच्छी लगती है। तो अरे, आप काफी गुड किड टाइप लगते हो इन सब में, मतलब आप और आप दोनों। तो आप दोनों ये बताओ कि आप लोग भी हो ऐसा नहीं, नहीं है, बट आप दोनों स्कूल में भी ऐसे थे या लाइक स्कूल के बाद चेंज हुए या क्या? बिफोर 10th मतलब मैं तो बहुत शरारती था। अच्छा। बट 11th-12th में आने के बाद थोड़ा डिसिप्लिन हो गया, पढ़ाई की तरफ ज्यादा हो गया। ओके। रिक्वायर्स, जरूरत भी है 2 साल, बाकी उससे पहले तो मतलब बहुत मस्ती की है। ओके, क्या हुआ ऐसे जो चेंज हो गया? मतलब उतना टाइम नहीं मिलता उन चीजों करने के लिए और पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छा, तो वो सब चीजें थोड़ी छोड़नी पड़ती है। ओके, अब मतलब मैं तो 6th क्लास से ही मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रति सीरियस था। अच्छा, आप मतलब पहले से शरीफ से? मतलब कभी शरारती कुछ नहीं करी ऐसे? कभी इच्छा नहीं हुई कि बंक कर दूं क्लास? इच्छा तो बहुत होता था, टीचर से डर लगता था बहुत। अच्छी बात है। आप कोई क्रिकेट खेला है? लाइक दिल्ली क्रिकेट। और क्या क्या पसंद है? बैटिंग पसंद है, बॉलिंग? बैटिंग ऑफ कोर्स। बॉलिंग करना बहुत कम लोगों को पसंद होता है। आप लोग खेले हो क्रिकेट? सब लोग को मैंने खेला था, मैंने रीजनल्स तक खेला हुआ था। मतलब हमारे केबी में था मैं, तो उनके तरफ से जो रीजनल्स स्पोर्ट्स होते थे उसमें हम जाते थे। ओके, बहुत पहले की बात है, आई थिंक क्लास 8-9। ओके, आपको भी बैटिंग पसंद थी? बॉलिंग। बॉलिंग, ओह नाइस। तो आप शरारत पहले करते तो क्या करते थे? मतलब टीचर को कुछ, मतलब ऐसा होता कि कभी कोई नई टीचर आते थे क्लास में, मतलब पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट के, तो हम उन्हें परेशान करते थे। किसी ने चौक खाया कभी ऐसे? खाया। आपने कैसे खा लिया? आप तो शरीफ बच्चे थे। नहीं, मतलब बहुत बचपन में खाया था, मुझे लग रहा था इसका टेस्ट। आप लोग तो अभी ऐसे कभी ये वाला फील करे हो कि होमवर्क नहीं हुआ है और वो डस्टर खाते हो? ये बहुत खाया हूं मैं, बहुत होता है। टॉपर्स भी खाते हैं? मतलब आज पहली बार समझा मुझे कि। अच्छा मैम, मुझे क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ था कि मतलब आपका होमवर्क आप खुद नहीं कर पाए बट किसी ने कर दिया आपके लिए? हमेशा। इवन मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे मतलब बहुत हेल्प भी करा। जो मेरा सिलेबस मिस होता था, मैं आती थी तो वापस से वो मुझे समझाते थे, रिवीजन करवाते थे कि ये ऐसे है, इसका ये है, लाइक इंग्लिश में हाइपरबोलिस को बोलते हैं, ये है वो सब। आई थिंक उनकी वजह से मुझे जो भी मतलब परसेंटेज मिले 10th में, मतलब वो मिले। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बातें हो गई है एंड बहुत चीज़ें समझी है, बहुत स्टोरीज भी शेयर हुई, बहुत अच्छा लगा। और एक अच्छा सा क्विक सा गेम हो जाए, बहुत मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है गेम्स खिलाने में। तो आपके पीछे एक कार्ड रखा हुआ है, उसमें 1 और 2 है और आपको मैं ऑप्शन बताऊंगी। जैसे मैंने चाय या कॉफी पूछा, तो चाय या कॉफी, तो चाय अगर फर्स्ट, कॉफी है तो सेकंड। तो स्टार्ट करें? एक्साइटेड हो? ये आपने देखा ही होगा गेम तो। हाँ, चलो। छोले भटूरे या कचोरी सब्जी? ओ, सबके छोले भटूरे, आपकी कचोरी क्यों? कचौड़ी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, छोले भटूरे ऑयली ज्यादा लगते हैं। कचोरी ऑयली नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। आप बेक करके कचोरी खाते हो? नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, आलिया या दीपिका? None of the above. None of the above. कौन सी पसंद है आपको? कियारा। कियारा? ओह नाइस, अभी उन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवीज करी। चलो मूवी गॉन, ये तो आप लोगों के इसका ही क्वेश्चन है, फिजिक्स या केमिस्ट्री? आपको केमिस्ट्री पसंद है? वाह, पर केमिस्ट्री क्यों पसंद है? फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे, फिजिक्स एज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट अच्छा है बट केमिस्ट्री मतलब मार्क्स स्कोर करना ज्यादा इजी है। आप लोग अग्री करते हो या? मैम एक्चुअली नीट वालों को फिजिक्स अच्छे से नहीं बनती। एग्जैक्टली, आती है भाई ऐसी बात। ओह सॉरी, यहां पे नीट और जेईई के झगड़े हो रहे हैं। गुड गुड गुड, गो ऑन, मुझे मजा आएगी सुनने को। केमिस्ट्री में क्या है, आंसर रट के जाना है, नीट फिजिक्स में सोचना पड़ता है, तो दे प्रेफर केमिस्ट्री। आप तो नीट के हो ना, फिर भी आपने ये, आप उनके साइड में नहीं हो?
मतलब फिजिक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मतलब सॉल्व करते हैं, दिमाग लगता है। अच्छा मतलब तो भाई जेई करना चाहिए था। पसंद सब्जेक्ट अलग चीज होती है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंदीदा सब्जेक्ट अलग होती है। अच्छा। पसंद फिजिक्स है बट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री अच्छी। अच्छा आप लोग अग्री करते हो स्कोर करें? स्कोरिंग केमिस्ट्री इज अ पॉइंट। अच्छा अच्छा चलो फिर ज्यादा झगड़ा नहीं हो, मुझे आई वाज वेटिंग कि कुछ झगड़ा होगा, मजा आएगा। ईटिंग आउटसाइड या घर का खाना सोच के बोलना, मम्मी ये देख रही है। Eating outside, बेटा आप लोग तो गए। चलो moving on. Dogs or cats? Cats, dogs. Oh, wow. ये पहला होता है जहाँ पे I think 50-50 हुआ है। Cats क्यों? कोई reason नहीं but थोड़ा मतलब मुझे cute से type लगता है, अच्छे लगते हैं। Same, काफी cute लगते हैं। Dogs तो I think मतलब वो घर के रक्षा अच्छे करते हैं। ये सोच के आंसर देना क्योंकि एक चीज इसमें से मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मार्वल या डीसी? Any day. मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, गुड 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 गुड, मैं भी मार्वल फैन हूँ। मार्वल कौन सा आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा? थॉर। अरे आई थिंक लड़कों को थॉर पसंद होता है। ब्लैक विडो भी ठीक है। ब्लैक अभी मैं लड़कों को बोली इसलिए ब्लैक विडो नहीं बोलना है। आप लोग देखते हो एवेंजर्स? देखे सारे, सब सबके सब देखे हो? मैंने तो सारे थिएटर में जाके देखे। मेरा तो फेवरेट आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका थे। पहाड़ या बीच? वाओ सबको माउंटेन, गुड गुड, आप लोग एकदम सेम। मुझे भी माउंटेन्स पसंद है, क्यों? एनी रीजन? थोड़ा काम रहता है और शांति रहती है। करेक्ट, वहाँ पर वहाँ भी बुक्स लेके जाते हो क्या वेकेशन? थोड़ा अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा है, बाकी शांति मिलती है, अकेले आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अच्छा करेक्ट। नींबू पानी या सोडा? ओ वन सोडा, आप ही सबसे अलग हो रहे हो। तो आई थिंक काफी अच्छा गेम था, मजा आई आप लोगों के चॉइसेस सुनने के। और ये जो आप गेम खेले पहली बार हुआ आप लोगों ने? ये खेली पहली बार बट बहुत बार देखी। देखी काफी बार। तो अभी आप लोग कॉलेज एंटर करोगे, एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या करेंगे कॉलेज में? पढ़ाई के अलावा यार गाइस का मतलब ओपन अप होना, मतलब स्टेज के जो स्किल्स होते हैं जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ओके, मतलब और फिर गिटार प्लेइंग, ये सब, तो मतलब खुद को सोसाइटी के सामने एक्सपोज करना। ओके नाइस। और ज्यादा सोशलाइज करना खुद को। ओके। एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कहते हैं आईआईटीज की बहुत अच्छी होती हैं, तो वो एक फैक्टर है कि घर में तो क्या आसपास कोई अच्छी जगह थी नहीं खेलने के लिए, तो ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलते थे नॉर्मल गली क्रिकेट वगैरह, तो वहाँ पे जाके एक बड़ा स्टेज मिलेगा तो ग्रो अप करने का मौका। करेक्ट। सेम स्पोर्ट्स एंड थोड़ा मतलब इलेक्शंस और उन चीजों में थोड़ा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। तो आप लोगों ने किसी से पूछा है कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है और कि कोई सीनियर है जिससे आपने वो एक्सपीरियंस लिया? मैंने बात तो नहीं करी बट आई वॉच्ड वन वीडियो ऑन यूट्यूब जो कि IIT कानपुर फ्रेशर्स पे थे जो कि लास्ट ईयर में थे, तो उन्होंने बताया कि लाइक सीनियर्स को हम लोग डायरेक्टली उनके नेम से नहीं बोलते। अच्छा। वी जस्ट से अम्मा एंड बापू। ओह ओके नाइस। सो एंड लाइक हम लोगों का एक कल्चरल फेस्ट होता है अंतरागनि, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ओके। मतलब मेरा सीनियर से यही कन्वर्सेशन था कि मतलब यार अभी पढ़ाई मत करो, अभी पहले साल पूरा एंजॉय करना है, बाकी मेरे को कॉलेज के लिए उस सीनियर से बोला यहाँ पे फेस्ट और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी होती हैं, तो स्पोर्ट फैसिलिटीज और फेस्ट के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वहाँ पे जाके उसको ऑर्गेनाइज या फिर एंजॉय कर पाएंगे। अभी आपने? मेरा तो रिजल्ट के दिन से ही सीनियर से बहुत बात चल रहा है, मतलब जो अपने समय के वो सब टॉपर्स थे तो हम उनका पोस्टर्स देखा करते थे, उनका फोटो अपने दीवार स्टडी टेबल के सामने चिपकाते थे, तो दे वर लाइक आवर आइडियल कि हमें ऐसा बनना है। अरे अच्छा। तो उनसे बातें करने का मौका मिल रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, चैटिंग हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलते हैं कि मतलब कॉलेज में मतलब स्कूल लाइफ में तो बहुत पढ़ाई की है, कॉलेज में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसे सीनियर से तो डायरेक्ट बात नहीं की बट मैंने एलमनी कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक्स में उसमें बहुत सारा रिसर्च का अपॉर्चुनिटी है, तो जितने सारे आर्टिकल्स तो जो जर्नल्स आर्टिकल्स वहाँ पर अवेलेबल है जो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में मिलता है पूरे इंडिया में, उनको एक्सेस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं रहना, जो नॉन करिकुलर फील्ड्स है उसको भी जितना पॉसिबल अभी एक्सप्लोर कर लेना है, क्योंकि इसके पहले भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए और जब जॉब लाइफ आ जाएगा तब भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो आपके जब सेलिब्रेशन होते थे, मतलब कोई अच्छा मैच किया तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते थे आफ्टर मैच?
तो जनरली हमारा एक टीम सॉन्ग होता है इंडियन टीम का, जो कि हम लोग बाहर डिस्क्लोज नहीं करते, हमारे में ही रहता है। तो हम जब भी मैच जीतते हैं हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं टीम सॉन्ग गा के। वो काफी स्पेशल मोमेंट होता है हमारे लिए, सबके लिए, टीम के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह जब उठ के जाते हैं हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमको वो टीम सॉन्ग गाना है सबके साथ, क्योंकि आई थिंक दैट इज द बेस्ट 5 मिनट्स ऑफ द डे फॉर अस, कि हम वो जब टीम सॉन्ग गाते हैं। चलो काफी इंटेंस बातें हो गई, अभी वापस से एक छोटा सा गेम हो जाए, थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? ये गेम का नाम है फास्ट एंड क्यूरियस। तो इसमें आपको जैसे रैपिड फायर है, बट इसमें आपको थोड़े ज्यादा चीजें पूछे जाएंगे और आपको एकदम फास्ट आंसर करना है, विच इज कॉल्ड फास्ट एंड क्यूरियस। रेडी? ठीक है, चलो फिर किसे स्टार्ट कैसे करना? 3 things वी कैन फाइंड इन योर स्टडी। बुक, लैपटॉप एंड फोन। फोन? आप सेम बुक्स और कुछ नॉवेल्स मतलब, और बाकी फोन। अच्छा, पिछले साल के टॉपर्स का फोटो मेरी बुक्स जो है, और फिर जो चीज मुझे याद नहीं हो रहा है वो मैंने जो सामने चिपका लिया है। अच्छा गाइस, क्या चल रहा है ये? ऐसे थोड़ी चलेगा। कोई ना, लेट्स जस्ट, आवाज नहीं चाहिए मुझे यहां पे, शूट चल रहा है। So we were at, yeah, 3 things every student has in his bag. Books and stationery and water bottle. Water bottle, nice. Basically, मेरा purse होता है। अच्छा। फिर मेरे books होते हैं और मेरा water bottle होता है। अच्छा। Books, pens और जो ID card जो institution का। Oh, वो बहुत important होता है, उसके बिना आपको entry नहीं देते ना? Exactly. Okay. Guys, क्या है ये? यहाँ पे मैं आवाज करूँ या आवाज करे जा रहे हो? मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे आई एम गोइंग, सॉरी, ये थोड़ी होता है ऐसे, आई एम लीविंग। ऐसे थोड़ी होता है, मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ और आप ऐसे करे जा रहे हो, ये ऐसे कभी नहीं शूट पे। कोई ना, लेट्स कंटिन्यू नाउ, सॉरी ऑन द बिहाफ। जब मुझे ऐसा गुस्सा आता है तब मैं एक्सपर्ट्स के पास चली जाती हूँ, तो आपके भी हमने एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुला रखे, ये थोड़ा सा ये था, उनको वेलकम करें आपके एक्सपर्ट्स को। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। कैसे हो बच्चों? बढ़िया बढ़िया। और शराब कर रहे हो यार? ये अभी भी वही जोन में, ये मॉक था आपके एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए, कोई सच में गुस्सा नहीं आया था मुझे, ये अभी भी बेचारे डरे। बैठो बैठो बैठो। यस गाइस, आई एम बिकमिंग अ गुड एक्टर। बहुत ज्यादा। क्यों डर गया कि सर? डर गया? ये तो अभी तक डरा हुआ है। पर ये मेरा प्लान नहीं था, ये आपके टीचर्स का प्लान था, आपको टेस्ट करने के लिए, आपको डराने के लिए। कैसा लगा प्लान? मतलब सच में डर गए थे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। तो ऑफ कोर्स आपका क्या प्लान, कैसे हुआ ये दिमाग? बिल्कुल मैम, क्योंकि काफी शरारतें होती हैं, ये लोग अभी तो टॉप किए हैं, बट मेरे को लगता नहीं कॉलेज में जाके काफी शरारतें करने वाले। तो आप लोग को तो पता है आपके टीचर्स है, बट आप लोगों का इंट्रोडक्शन थोड़ा। डेफिनेटली, तो मेरा नाम अजीत लुल्ला है मैम, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड अ फिजिक्स एजुकेटर इन अनअकैडमी। ओके मैम, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं भी अनअकैडमी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मतलब बीइंग एन IIT बॉम्बे एलुमनाई मायसेल्फ, तो हमने भी कॉलेज में काफ़ी शरारतें की। मतलब आई विल शेयर एन इंसिडेंट, 2011 में ये हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था एंड देर वॉज अ सीरीज, तो वहाँ पर सारे प्लेयर सेम पैटर्न पर आउट होते थे, दे यूज टू प्ले अ शॉट एज लग के स्लिप में कैच आउट। तो हमने ना वहाँ पे एक प्लान बनाया, हमने थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाया, द IITians कंसेप्ट कि अगर बैट हो जिसका कॉनकेव इनवर्ट शेप हो, तो मोमेंटम ट्रांसफर कभी ऐसा होगा ही नहीं कि एज लग के पीछे जाए। ओके, तो वी डिज़ाइंड अ 3D मॉडल ऑफ द बैट, हमारे सीनियर्स का एक ग्रुप था, दे डिज़ाइन बहुत 3D मॉडलिंग करी बैट पे और एक नया बैट का सरफेस बनाया, उसको प्रॉपर बनवाया, और वो बैट ऐसा था जिससे कभी भी एज लग के स्लिप पे नहीं जाएगा। दे दो बैट, ये दे दो, कहाँ है बैट? अभी तक आई क्यों नहीं मार्केट में? वो फिर हमने
बीसीसीआई में भेजा भी था पार्सल बट वो रिजेक्ट हो गया था इसलिए मार्केट नहीं हुआ अब तो शार्क टैंक में जाना चाहिए ऐसे कभी अगर गली क्रिकेट खेल रहे जैसे हम सब लोग तो मतलब झगड़ा हो जाता था यार मेरी बैटिंग कैसे नहीं आई तो वैसा जैसे अगर आपने कभी खेला हो गली क्रिकेट जैसे हम छोटे होते तो खेलते हैं उसी तो शुरू सब लोगों ने उसी से करा है वो कोई भी प्लेयर हो बड़े से बड़ा आई थिंक शुरू इंडिया में सब गली क्रिकेट से ही करे तो वहां पे अगर आपको बैट करना नहीं मिलता था तो फिर आपको लगता था यार ये मतलब क्या मैं तो जाऊ ही ना अगर मुझे पता चले कि आज मुझे बैटिंग नहीं मिलेगी तो मैं पहुंचू ही नहीं ग्राउंड पे क्योंकि मुझे बेसिकली क्रिकेट सिर्फ बैटिंग पसंद थी उसके बाद पता चला कि मतलब सब डिपार्टमेंट्स में अच्छा होना है फिर आज भी मुझे बता लो गली क्रिकेट खेलते जो मैं बोलूंगी चलो खेलते एक मैच हो जाए ऐसे तो करेक्ट सेम मैम हमारे लिए पढ़ाना है करेक्ट मतलब हम पढ़ाते टाइम कभी टाइम नहीं देखते हैं वी यूज टू टेक सच ए लॉन्ग आवर्स प्रैक्टिस सेशन और सेम आई थिंक इन लोगों के लिए डाइसेक्शन होगा मेडिकल स्टूडेंट कि अगर तुमको डाइसेक्शन करने नहीं मिला तो क्या तुम छोड़ दोगे कॉलेज प्रोफेसर से झगड़ा करने बड़े बड़े शरारती होने वाले मैम जैसे टेस्ट पेपर हम बच्चों के लिए होता है टीचर्स के लिए होता है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैच होता होगा तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द मैच आई थिंक मेन पार्ट है कि आपका वो जो होती है ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मैच नहीं होती मेरे हिसाब से आप जब इंडिया की जर्सी पहनते हो तो आप भले ही कोई 15th रैंक टीम से खेल रहे हो या कोई फर्स्ट रैंक टीम से खेल रहे हो आपको या सेमीफाइनल खेल रहे हो या कोई सीरीज खेल रहे हो आई थिंक वो मैच का इंपॉर्टेंस अपने मन में उतना ही होना चाहिए तो जब एक जैसे अपन प्रिपेयर होते हैं तो आई फील कि वो जब मेन या इंपॉर्टेंट मैच आता है उसके लिए आप यू आर बेटर प्रिपेयर्ड कि रूटीन सेम है हर चीज सेम है तो उस चीज को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि यार आज बहुत कुछ तो बड़ा होने वाला है डेफिनेटली मतलब इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन कि हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है करेक्ट कोई टेस्ट छोटा बड़ा नहीं है हर टेस्ट में परफॉर्मेंस इनके तो 100 टेस्ट होते मैंने सुना 100 टेस्ट ये लोग अभी एकदम टीचर्स आ गए तो वापस से एकदम शरीफ के शरीफ से बच्चे बन गया नहीं नहीं मैम अब तो मुझे लगता है कि खैर हम लोग ही सजेस्ट करते हैं कि अब ठीक है अब तो एग्जाम हो गया रैंक आ गई हो जाओ चिल थोड़ा सा मतलब अभी तो वैसे भी उनके सीनियर्स ने बोला है फर्स्ट ईयर कुछ मस्ती करना है बस आप सेम टिप दोगे उनको मैम मस्ती करना है बट अकेडमिक्स को मेंटेन करके मतलब हम मस्ती के फ्लो में कहीं लिंक नहीं छूट जाए वो मैं मुझे लगता है खैर एनीवेज इनके ब्लड में है पढ़ना और वो सारी चीजें तो दे विल एनीवेज मेंटेन वेल आई थिंक मैंने इन लोगों से तो काफी क्वेश्चंस पूछ लिया बट आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है कि अनअकैडमी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है टीचिंग करने का मैम टीचर तो हम शुरू से ही थे अच्छा मतलब पहले तो ऐसा होता है कि हमने शुरू मजबूरी में किया था बट खैर एनीवेज हर टीचर की लगभग सिमिलर सी स्टोरी होती है कि फिर बाद में पढ़ाने में इतना मज़ा आने लगता है कि फिर हम सोचते हैं कि फुल टाइम यही काम करना है तो वैसा ही था बट जब अन अकेडमी ने कॉल किया जैसे जब हम पढ़ा रहे होते थे तो यू नो सबका अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है पढ़ाने का सो आई हैड माई ओन यूनिक स्टाइल जो मैं हर चीज़ को विजुअलाइज कराना प्रेफर करता हूँ जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे उसे दिखाना ज़्यादा पसंद है तो ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी करता था तो कभी क्लास में 10 बच्चे हैं कभी सामने 50 बच्चे हैं मैक्स टू मैक्स हम 100 तक पहुंच पा रहे हैं तो उस समय पर ऐसा लगता था कि यार हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा Correct. है बहुत अच्छा होगा अगर ये नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सके तो अकेडमी गेव दैट प्लेटफॉर्म टू अस और अब वो हो रहा है कि हम लाखों मिलियंस मतलब जो है लोगों तक पहुंच पा रहे हैं थ्रू दैट सिंगल वर्क ओनली जैसा काम हम क्लासरूम में कर रहे थे वैसा ही काम तो मुझे ये पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है अन अकेडमी पे सोशलाइज भी थोड़े से ज़्यादा हो गया बच्चों का प्यार इतना मिलता है जैसे हम अगर कहीं जाते हैं जैसे वैसे तो हम कैमरा पर रहते हैं तो बच्चे हमें देख नहीं पाते लेकिन अगर किसी भी सिटी में हम पहुँच रहे हैं हम एक बस मैसेज डाल देते हैं हम वहाँ पर आ रहे हैं तो वो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग शॉर्ट ऑफ हम सेलिब्रिटी तो खैर वैसे है नहीं साधारण से टीचर हैं लेकिन बच्चे इतना प्यार देते हैं कि वहाँ पर वो मिलने के लिए आते हैं और फिर उतना प्यार वो देते हैं तो दैट लव इज लाइक वो सभी चीजों के बहुत ऊपर है वाओ दैट्स नाइस एक्चुअली इवन स्मॉलर सिटीज तक आप पहुंच पाते हो आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे टीचर्स मेट्रो में आ जाते हैं या बड़े-बड़े कॉलेजेस में आ जाते हैं आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि सबको हमारा तो फ्रेज है मैम कि गांव-गांव गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले आपके घर तक आपकी दरवाजे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रहा है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है डेफिनेटली मैम मैं अपने बारे में बताऊं तो वही लक्ष्य बहुत बड़ा था आईआईटी बॉम्बे जाना है तो बहुत स्ट्रगल किया फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ फिर ड्रॉप लिया था फिर हमने सीखा
तो अच्छे टीचर को ढूंढना मिलना ये बहुत मुश्किल था पहले. आफ्टर एन अकेडमी पूरे कंट्री में एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो गया है. मतलब जैसा कि आपने कहा, आज बच्चा गांव में भी है अगर उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो भी वो हमारे यूट्यूब चैनल से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकता है. और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के लिए वो हमारे और प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, ऐप पे पढ़ सकता है. और डेफिनेटली हमने ऑफलाइन सेंटर्स भी अप कर दिए. तो बहुत सारी अनअकैडमी ने बच्चों के लिए काफी कुछ किया. एवरीथिंग इज अवेलेबल इक्वली. अब बच्चे को डिसाइड करना है कि मुझे इसका फायदा उठा के एक्चुअल में मेरा एम जो है वो कंप्लीट कर पाना या नहीं. और ये वीडियो भी आई थिंक जो भी देख रहे होंगे उनको ये मोटिवेट करेगा. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की स्टोरी सुनने एंड स्पेशली आपका जो मैसेज जो जा रहा है. आई थिंक आई होप ये और भी लोगों तक पहुंचे और ये रिसोर्सेज यूज करें. एंड थैंक यू सो मच ये टाइम निकाल के आपने जो ये मेरे साथ बात करी. अब हम कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज हम उसके लिए आपको अगर एक एडवाइस देना होता है हम सबको कॉलेज लाइफ के लिए तो आप क्या देते हैं? आई थिंक कॉलेज लाइफ मैंने ज्यादा करी नहीं बट एक ही सिंपल एडवाइस लाइक हर एक दिन को प्ले इट लाइक वन बॉल एट अ टाइम एंड डोंट लाइक थिंक टू फार अहेड. दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से. मे बी आप लोगों को टीचर्स ज्यादा बेटर बता पाएंगे बट दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग आई कैन से. प्रिसाइजली आपने काफ़ी अच्छे से कंक्लूड किया है चीज़ों को क्योंकि यही एक बात है जिसको स्टूडेंट हमेशा मिस आउट कर देते हैं. सो रियली मैम सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में एंड थैंक यू सो मच. जो भी इनसाइट्स आपने शेयर किए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं. सो मैम कुछ पिक्चर्स हो जाए. यस यस श्योर श्योर.